नमस्कार दोस्तों, देसी जी के टिक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के रेलवे जॉन्स के बारे में, ठीक है दोस्तों, वो भी एक मज़ेदार ट्रिक के साथ। अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वीडियो का आपको PDF मिले तो एंड में वीडियो देखकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कि रेलवे यानी कि रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो रेलवे का हेडक्वार्टर है भारत में दिल्ली में है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में भारत का सेकेंड नंबर है रेलवे में नेटवर्क, यानी कि भारत में सेकेंड नंबर पर है जिसमें रेलवे का नेटवर्क भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया का सबसे विशालतम रेलवे नेटवर्क बना हुआ है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भारत के जो भी इम्पोर्टेंट रेलवे जोन हैं यानी कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट नॉर्थ में, ईस्ट साउथ में, साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट नॉर्थ में यदि आपको होने चाहिए तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लें दोस्तों। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सबसे पहले ध्यान रखें कि साउथ में क्या आता है, चेन्नई आता है, ईस्ट में क्या आता है, कोलकाता आता है दोस्तों, और वेस्ट में मुंबई और नॉर्थ में दिल्ली। आपको पता ही है फिर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों इनको। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है इधर गोरखपुर यानी कि यूपी में, और ये अपना वापस से कोलकाता, और आपको याद रखना है कि सिकंदराबाद है जो साउथ की तरफ है दोस्तों, और जयपुर जयपुर है जो वेस्टर्न और नॉर्थ की साइड में है। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये इलाहाबाद है अपना, और ये हाजीपुर है, ये बिलासपुर है दोस्तों, ये जबलपुर है और ये सिकंदराबाद है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मैंने मुंबई के लिए लिखा है दोस्तों, जो कि भारत का सेंट्रल रेलवे जोन है। अगर भारत का सेंट्रल रेलवे जोन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा मुंबई। और जो भी मैंने ब्लू कलर में जो भी दे रखे हैं वो सारे सेंट्रल रेलवे जोन है दोस्तों। जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि नॉर्थ रेलवे जोन कौन सा है, ये नॉर्थ अपना नॉर्थ रेलवे जोन है दिल्ली। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा इलाहाबाद, यानी कि सेंट्रल का नाम आता ही आपको ये ब्लू कलर वाली जो भी है प्लेस वो आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन कौन सा है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा है, गोरखपुर है। और आपको मैं पूछ लूँ कि ईस्टर्न रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा कोलकाता। अगर आपको पूछ लूँ कि ईस्टर्न और साउथर्न रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर भी होगा आपका कोलकाता। अगर आप मैं पूछ लूँ कि ईस्टर्न और साउथर्न सेंट्रल रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा आपका बिलासपुर, और साउथर्न सेंट्रल रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा सिकंदराबाद, और वेस्टर्न और साउथ यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच में रेलवे जोन कौन सा है, हुबली, और वेस्ट की तरफ जो रेलवे जोन है सेंट्रल रेलवे जोन है जबलपुर, और ओनली वेस्टर्न रेलवे जोन है मुंबई। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे का पूरा याद करें तो आप अपनी कॉपी में पूरा डायग्राम अच्छे से बना लें, और दो तीन बार जैसे आपको आप बनाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर पता ही है दिल्ली किधर है, कोलकाता किधर है, और चेन्नई, मुंबई, ये सारे आपको पता ही होंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूँगा इसके बारे में, जैसे तीन इंपॉर्टेंट और रेलवे जोन है, जैसे कोंकण रेलवे जोन बोला जाता है पन्नियल को, यानी कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोंकण रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा पन्नियल। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा आपका भुवनेश्वर, और नॉर्थ फ्रंट रेलवे जोन कौन सा है तो उसका आंसर होगा मालेगांव गुवाहाटी जो कि असम में है आपका, इसको भी आप याद कर ले दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ट्रेन भारत में कब चली और कहां से कहां तक चली, तो वो है मुंबई से थाने तक जो कि 16 अप्रैल 1953 में चली थी, और दूसरी रेल है जो 1954 में चली थी हावड़ा से हुगली तक, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में चली थी बॉम्बे से पूना, जो कि जिसे डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ पर है तो वो भारत में है, गोरखपुर में है, तो उसकी लंबाई है 1367.33 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, किसी का भी, उसमें आपका ये वीडियो मददगार होगा। धन्यवाद दोस्तों।